एप्पल अपने प्रोडक्ट्स नूं लैके ते फैसलियां नूं लैके लगातार लोकां नूं हैरान करता रहिंदा है। ते हुण जो एप्पल दा नवा फैसला सामने आया ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਪਲ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਜਾਂ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ किसी भी एप्पल स्टोर से चल जाओ, उत्थे एप्पल आईफोन नू या एप्पल दे फोन नू रिपेयर नहीं किया जाएगा अगर वो फोन रजिस्टर नहीं होया होगा। एप्पल का फोन GSMA रजिस्ट्री दे विच या फिर मोबाइल जीनियस ऐप दे विच रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। तो उस ऐप तो पता लग सकता है कि यह फोन उन्हों का अपना है जो उस स्टोर से मतलब करवाना आया, सर्विस करवाना है या ठीक करवाना है या लोग खिलाना है तो या फिर वह फोन चोरी का है या किसी ने चक्या है। इसलिए मोबाइल जीनियस दे विच एप्पल फोन की आई डी या कह लो रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज जो फैसला एप्पल ने दिता है उन्हें एक चिट्ठी के थ्रू, हालांकि उन्होंने अपने जी चिट्ठिया ने सर्विस सेंटर हो गए या एप्पल स्टोर के उत्ते दिखाई हैं ताजो उन्होंने पता रहे कि असी किसी भी फोन की अगर किसी फोन की रिपेयर करनी है तो उन्होंने किस तरीके का करना, उन्होंने पहला उन्होंने चैक करना है कि फोन गवाचिया है या चोरी तो नहीं हुआ है ना। जे उस बंदे का जेन्युइन फोन है, उस बंदे का अपना फोन है तो उस फोन की रिपेयर होएगी, अदरवाइज उस फोन की रिपेयर नहीं होएगी। सो एक वड्डा फैसला भी है तो कितना कितने इस नाल बहुत सारे कस्टमर नूं फायदा भी जरूर होएगा कि जिन्होंने फोन चोरी हो जाते हैं तो जिन्होंने फोन डिग गए ने गवा गए ने, सो उन्होंने फोन के नाल किसी भी तरीके की कोई मिसयूज नहीं कर सकता। तो कितने ना कितने वो लोग भी हैरान होणगे जो लोगों की जेबर में फोन काढ़ते हैं। सो वो हुण कि ना कि हैरान जरूर ने तो परेशान भी जरूर हो जाएंगे कि एप्पल की जी नवी पॉलिसी आई है वह बहुत फायदेमंद है।